भारत के आम चुनाव हमेशा से ही खास रहे हैं और अगर बात इस बार के चुनावी परिणाम की करें तो 4 जून का रिजल्ट उतना ही इंटरेस्टिंग था जितना वर्ल्ड कप का मैच होता है और होना भी चाहिए क्योंकि ये बात है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के चुनाव की। तो आइए आज भारत के प्रधानमंत्री और उनकी कुछ खास बातों को जानते हैं। तो ये सिलसिला शुरू करते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ, जो भारत के पहले पीएम होने के साथ साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे, होल्डिंग ऑफिस फॉर मोर देन 16 इयर्स। मोरारजी देसाई बने इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, हालांकि बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, जिनके कार्यकाल में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या उनके कार्यकाल के ही दौरान हुई, इस कारण उनके बड़े बेटे राजीव गांधी बनते हैं भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। अपने एलपीजी रिफॉर्म के लिए पॉपुलर पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आने वाले पहले पीएम बने। वहीं मनमोहन सिंह सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इकलौते प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने तीसरे कार्यकाल को शुरू करने के लिए पूरे तैयार हैं और 8 जून को जब वो शपथ लेंगे तो वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जैसे 10 सालों से ज्यादा सरकार चलाने वाले पीएम बनेंगे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।